कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बिजनेस लंच बॉक्स विद सदफ। और आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की कलेजी, बीफ की कलेजी और गुड़ों का की सालन की तैयारी करने जा रही हूँ। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है और इसके कई स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी और ये जो दिल गुर्दे कलेजी जो है इनकी सफाई वगैरह का प्रोसेस, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी स्मेल वगैरह आ जाती है। और बाकी ये मैं अपने इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी। अच्छा जी, ये आपको जो दिख रहा है इसमें दिल है और कलेजी है। इसके अंदर मैंने 15-20 मिनट पहले अदरक और लहसुन एक एक चम्मच डाल के इसको वॉश करने के अभी लगा के इसको छोड़ दिया है। 10-15 मिनट इसको हो चुके हैं। अब इसको बाद में, और थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच सिरका डाला है इसके अंदर। तो अब ये जो है इसको मैं वॉश करूंगी अच्छे से, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ओके जी, उसको मैंने वॉश कर लिया। अभी उसको मैंने पानी छानने के लिए अलग से रख दिया उसका, ताकि उसका अच्छे से पानी निकल जाए। अब मीनवाइल हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये जी तकरीबन जो है 200 ml के करीब, यानी एक कप के करीब हमारे पास दूध है, तेल है। और ये है एक कप के करीब तकरीबन 200 ग्राम के करीब हमारे पास दही है। ये डेढ़ जो है प्याज है, ये हमने बारीक बारीक चॉप इसलिए किए हैं, वरना ज़्यादातर आप जो देख रहे हैं हमारे ट्रेडिशन में जो है ना, वो हम लंबी लच्छेदार प्याज काट के और उसको सुनहरा करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कलेजी में फिर वो लंबी प्याज अगर सही से मिक्स ना हो या सही से भुनाए ना, या लंबी लंबी कभी मुंह में आती तो वो बहुत ही बुरी लगती है। ये एक अदरक हमारे पास टमाटर है, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। और ये जो है हरी मिर्च, इसको हमने स्लिट कर लिया है, ठीक है जी। ये हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर हम आते हैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये एक टेबल स्पून है। ये हमारे पास आधी टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है। ये एक टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर जो नॉर्मल होता है वो है। ये एक टी स्पून ट्यूमरिक है, यानी हल्दी पाउडर है। ये गरम ये धनिया पाउडर है एक टेबल स्पून। अच्छा, ये अदरक लहसुन अलग अलग है, लहसुन एक टेबल स्पून, अदरक एक टेबल स्पून, और एक एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन के, और एक चम्मच सिरके के साथ हमने पहले अपनी कलेजी को लगा के 15-20 मिनट छोड़ा था। अच्छा, ये एंड में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स ये देख लीजिएगा, नमक कभी भी कलेजी में शुरू में नहीं डलता, इसलिए कि वो कलेजी को बहुत हार्ड कर देता है। और ये एंड में हमारे पास गरम मसाला पाउडर, हमने दोनों ये चीज़ें एक प्लेट में इसलिए रखी है कि ये सबसे आखिर में जाने वाला इंग्रेडिएंट है। इधर देख लें हम, 1.5 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा है, ये तेजपत्ता पाउडर तेजपत्ता है, और ये 4 अदद लौंगे हैं, 2 इलायची, ओके जी, 10-12 दाने जो हैं काली मिर्च के हैं, ठीक है, और ये 3 जो हैं वो दालचीनी है टुकड़े। अच्छा, ये कसूरी मेथी है, ठीक है, ये आप देख लें, ये हमने 2 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून रखा है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहला प्रोसेस जो है वो हमने अदरक लहसुन के साथ और एक चम्मच सिरका के साथ हमने अपनी कलेजी को धोया है। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए इस दही के साथ, क्योंकि दही की वजह से क्या होता है, आपकी कलेजी जो है बहुत सॉफ्ट टेक्सचर में आती है। वरना लोगों की कलेजियाँ तो ऐसी होती है, इसे रख के किसी के सर पर मारोगे तो सर में घूमड़ निकल आए, तो अक्सर ये हो जाता है। इसकी वजह लोगों को समझ में नहीं आती। वैसे एक बता दूँ मैं आपको कि कभी कभी कलेजी जो है ओवर कुक होने की वजह से भी हार्ड होती है, कभी कभी कलेजी जो है वो खारे पानी में जो लोग सालन बनाते हैं उनकी वजह से भी हार्ड हो जाती है। और ये कभी कभी एरियाज पे भी डिपेंड करते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी अगर जो बार दफ़ा चीज़ें जो है अच्छे से गलने में प्रॉब्लम देती हैं, वो थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। तो किसी भी चीज़ को, गोश्त हो कलेजी हो, जब उसको हम दही में मैरिनेट करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सा टेक्स्चर आता है। तो वो पत्थरों वाली कलेजी से अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, बदबू दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने अदरक लहसुन और सिरके के साथ डुबोया है, उसको वॉश किया है। और अब हम इसके अंदर हम इसकी फेशियल करेंगे। फेशियल मस्का मेरे घर का पार्लर है, इसमें हम दही वाली फेशियल करेंगे अपने कलेजियों को। तो मिलते हैं मैरिनेशन के बाद। ओके जी, ये जो है हमारी कलेजियों का अच्छा सा फेशियल हो गया है। और देखिए जी, इसमें से मैंने बदबू काफ़ी हद तक दूर कर दी, जो कलेजी की बिल्ट इन होती है, कुदरती तौर पे होती है। बदबू दूर करने का मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये गुची की परफ्यूम की तरह महकना शुरू हो जाए, वो कलेजी फिर कलेजी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 99% इसकी स्मेल जा चुकी है अदरक लहसुन और सिरके की वजह से। और बाकी जो है ये दही की मैरिनेशन अपना काम दिखाएगी, तो नरम नरम आपको कलेजी मिलेगी। हम अपना प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, तो स्टेप करते शुरू। अपना नंबर 1 स्टेप है, ओके जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑयल चला के कलेजी में तेल थोड़ा ज्यादा डलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीजों में थोड़ी स्मेल होती है तो हमें तेल डालना पड़ता है। ओके जी, अब हम जल्दी जल्दी इसके अंदर जीरा डालेंगे, ठीक है, और ये दालचीनी, ये हमारी काली काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची सब एक साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि मैं कौन सा बनी में जाना है। ये हमारी तेज पत्ते, ये लौंग,
गया हो जाए, इतनी नजरों से बच गया, ले जाएगा। ये बिल्कुल ही डालना, ये बाद में डलने वाला है, इसको मैं भी साइड पर कर लेती हूँ गैस पे। अच्छा इनको ज़्यादा देर नहीं करना है, बस हल्का सा ये करकरा जाए। तो हमें क्या करना है, और इसके बाद हमारी प्याज जाएगी। बार बार बताऊंगी बिगनर्स को, जो ज़्यादा ऊपर से फेंक के अपने आप को ये मत समझेगा कि आप बच जाएंगे, जितना नीचे से फेंकेंगे उतना आपकी बचत है। दुश्मन को मारो प्यार से, ठीक है। ये इसमें चला गया, अगर मैंने ऊपर से इसको जंप करवाई होगी तो अभी जो है ना डेढ़ डेढ़ फिट से छीटे होते होंगे। अब ये देखिए, अब इसको हम 2 से 4 मिनट 5 मिनट ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि कलेजी वैसे ही ब्रिटेन काली होती है, तो हमें उसको मजीद काला करने की जरूरत नहीं। इसको बस हम हल्का सा गोल्ड और पिंक टच देंगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ओके, ये 5 से 7 मिनट हो गए और ये बिल्कुल गोल्डन गोल्डन से आ गया है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है अदरक लहसुन का पेस्ट हमें डाल देना है, ठीक है। घी भर के डालिए पहले। ओके जी, अब ये देखिए तकरीबन हमने इसमें प्याज जो है हमारी घुल भी गई है, नरम भी। अब देखिए इसीलिए मैंने लंबी लंबी नहीं काटी थी, क्योंकि लंबी लंबी काटते थे ना तो कभी कभी जो है ना सही से मतलब अगर नहीं हो भुनाए तो मतलब थोड़ा सा मुंह में आता है। अच्छा अब एक हम डालेंगे सबसे पहले अपनी लाल मिर्च, ठीक है। फिर जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, फिर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। उसके बाद हल्दी पाउडर, उसके बाद ये धनिया पाउडर, इसके बाद इनकी अच्छे से फेटी लगानी है। ओके जी, ये 5 मिनट हो गए इसके मसालों को इसके साथ भूनते हुए। ज्यादा भूनूंगी ना तो दोबारा जो है ना वो ब्लैक माइकल बन जाएगा, तो मुझे ज्यादा उसको जलाना नहीं है। और साथ साथ ही इसके अंदर हमने टमाटर डाल देने हैं, ठीक है जी। वैसे बाद ये सारे टमाटर इसके अंदर जाएंगे, अगेन जो है ना इसकी अच्छी सी फेंटी लगने वाली है। दोबारा वही बोलूंगी, पुरानी दुश्मनी निकालें, घी खोल के निकालें, जितना अच्छा मसाला भुनाएगा उतना मजे का लगेगा। इसको हम 5 से 7 मिनट भूनेंगे। ओके जी, आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी इसकी खुदाई भुनाई सब हो चुकी है, तेल पूरा ऊपर तक छोड़ चुका है। अब इसके अंदर हमारी मिक्सचर करेगी और भुनकर जो है वो इसमें जाएंगे, ठीक है। ओके जी, ये हम डाल देते हैं साथ ही। उसके बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ओके जी, इसको हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनना है और भुनाई करना है। उसके बाद हम इसके अंदर नमक और बाकी चीजें डालेंगे, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ओके जी, अब आप ये देख रहे हैं हमने इसकी अच्छे से भुनाई करी है। अरे कसम ले रहे मुझसे जो मैंने इसमें पानी डाला हो, कराची वालों से बिजली और पानी का मांगने का मतलब ही यही कि आप चमाट खाने को तैयार हो जाए। यहाँ के लोग अपना गुर्दा फेफड़ा दे देते हैं लेकिन बिजली और पानी नहीं देते। दही की अपनी कारस्तानियाँ हैं जिसने इतना पानी छोड़ा है और कुछ टमाटरों में छोड़ा है। चलो यहाँ ही सही, हम पर मेहरबानी तो हुई, पानी खुद से तो कहीं आया। चलो जी, अब इसके अंदर हम अपनी हरी मिर्चें डालेंगे, ठीक है। ये मिर्चों के साथ 2-4 कतरे पानी आ गए, मैंने सही से छाने नहीं थी, ठीक है। इसको अभी हमने भूनना है। अच्छा जी, इसमें जो इंग्रेडिएंट है नमक वाला वो इसमें हम अभी डाल देंगे, कल गरम मसाला हमें और इंतज़ार करना है हमने। इसको हमने ढक के छोड़ देना है। देखिए कितनी मेरी हसीन और जमीन कलेजी तैयार हो चुकी है गुड़ के साथ। आरे इसमें दिल भी हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि मेरी कलेजी और गुड़ है। और अब इसके अंदर जो है मैंने ये मेथी मेथी जो है ये देखिए कसूरी मेथी जो है ये मैं इसको मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी एड में डालूंगी। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा इंसान होता है, इसकी वजह से ये डालूंगी, ठीक है। और एंड में ये गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाला पाउडर है को डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हरी मिर्च मैंने जब 70% प्रोसेस डन हो गया था तब डाला था, ताकि जो है इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आए और एंड तक आए। और ये कसूरी मेथी और गरम मसाला आटे में डालने की वजह अवेयर किया है, इसकी कोई यू और जायका बड़ा ही जबरदस्त हो जाएगा। और देखिए सारा पानी खुश हो गया है, हरे एकदम मजे का लग रहा है, मैं बेचारा गर्म गर्म पराठों के साथ इसको खाऊँ, ठीक है जी। ये हमारा हो चुका है, डन हो चुका है, इसको हम डिश आउट करेंगे। चलें ओके जी, ये देखिए हमारी जबरदस्त ये कलेजी गुड़ का सालन, ठीक है।
ठीक है, इसमें हमारे थोड़े से दिल भी शामिल हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी तो बस पराठे हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं। इसके ऊपर गार्निशिंग की गई है हरा धनिया के साथ है, गार्लिक और अदरक को काट ले, जिंजर को बारीक बारीक काट ले, और ये लेमन ऑप्शनल आपने रखना है तो रखें, वरना अब इसमें कोई स्मेल नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट उतरी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस के लिंक्स को शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस दें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियोस में दोबारा मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर